हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार। चीन का खतरनाक वायरस अब ऑरेंज सिटी तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र के मुंबई, नासिक और नागपुर के साथ कुछ शहरों में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। सरकार ने सतर्कता के दृष्टिकोण से राज्य में 6 जांच केंद्र निर्माण किए हैं। इनमें से एक केंद्र इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल मेयो के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में निर्माण किया गया है। अब कोरोना वायरस की जांच के लिए मरीज के गले और खून के नमूनों की जांच मेयो अस्पताल में की जाएगी। वर्तमान में मेयो में एक भी नमूना जांच के लिए नहीं आया है। हाल ही में चीन का दौरा कराए एक व्यापारी ने अपनी लगातार खराब तबीयत पर सतर्कता बरतते हुए कोरोना वायरस की जांच के लिए खुद को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कर लिया है। वहीं मेडिकल के डॉक्टरों ने भी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए एक अलग वार्ड में उस व्यक्ति को भर्ती कर उस पर उपचार शुरू कर दिया है। इसी के साथ कोरोना वायरस की जांच के लिए उसके गले और खून के नमूनों को पुणे स्थित राष्ट्रीय वायरस लैब में जांच के लिए भेज दिया है। डॉक्टर राउत ने बताया कि दिन ब दिन संदिग्ध मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीमारी के उपचार के लिए राज्य में 6 नोडल सेंटर तैयार किए गए हैं। इसमें मेयो अस्पताल का समावेश किया गया है। गौर करने की बात यह कि विदर्भ के साथ आसपास के राज्यों में से स्वाइन फ्लू के मरीजों की जांच भी मेयो अस्पताल में ही की जाती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।